नमस्कार दोस्तों, ये विदेश में रहने वाली भारतीय का पाम है और इनकी फीमेल पाम है और उम्र है केवल 18 इयर्स। ये बहुत ज़्यादा लकी पाम है, पर कहा जाता है ना कि हर एक के जीवन में थोड़े साल 19-20 रहते हैं, यानी तकलीफ़ें उठानी रहती है। वैसा ये बहुत ज़्यादा लकी पाम होने के बावजूद बीच में 5 से 7 साल की तकलीफ इनके जीवन में लिखी हुई है। उसके अलावा ये पाम अति प्रोग्रेसिव पाम है, बहुत ज़्यादा रिचनेस, हर तरह के सुख वाला पाम है ये, हर तरह के। हाँ, बीच का जो स्टेज आएगा उसके अंदर इनके जीवन में प्रेशर बना रहेगा। इस पाम की जो कलर है वही इटसेल्फ शो करता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपन्न होता है, यानी पैसे वाला होता है। और सारे ग्रह अपने आप में उभार है, बैलेंस में है। सेकेंड चीज देखे तो यहाँ पर एक धनुषाकार साइन बन रही है, तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल है, बैठे बैठे या बोलकर अपने जीवन में कार्य करेंगे। अंगूठा इस तरह का अगर बड़ा अंगूठा हो तो 100% व्यक्ति सफलता पाता ही है, और ये भी अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता पाएंगे इस अंगूठे के बदौलत। और बाकी की साइनें भी भरपूर है। फर्स्ट फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उसे पूरा करता है व्यक्ति। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा खासा है, ऐसे लोगों को लॉजिक के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, और ख़ासकर टीनेज में और जवानी में बहुत ज़्यादा ये लोग लॉजिक के साथ बात करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होता है। यहाँ पर कोन भी बन रहा है थोड़ा सा, तो व्यक्ति का टाइमिंग परफेक्ट होता है। अब ये उंगलियाँ देखे तो लगभग इक्वल है, तो प्रॉब्लम नहीं। अगर जुपिटर की उंगली थोड़ी भी बड़ी होती है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम होता है, पर इस पाम में प्रॉब्लम नहीं है। उंगलियाँ बड़ी है तो एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की, और थोड़े से स्लो होते हैं डिसीजन लेने में, थोड़े से स्लो होते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ों की प्लस माइनस निकालने में पड़े रहते, उसमें निर्णय लेने में थोड़े से स्लो हो जाते। छोटी उंगली फैलेंज मुड़ तो रहा है तो पैसा तो कमाएंगे, ये उंगली पैसा कमाने में प्रॉब्लम नहीं देती, पर यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है, पर ये उंगली कभी पैसा कमाने से रोकती नहीं। और इनका क्लियर फोटोग्राफ से क्लोजअप उस पर चलते, बहुत ही ज़्यादा लकी साइनों के साथ इन्होंने जन्म लिया है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू आपको शुक्र वलय दिख रहे, कंटिन्यू। अब इनसे कभी बात नहीं हुई, अगर इस तरह का व्यक्तित्व है और इतने सारे शुक्र वलय है, ये कला क्षेत्र में जाए तो भी बहुत बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हुई या इस तरह के जो कला क्षेत्र के फील्ड है उसमें भी अगर ये एंटर करें तो बहुत ज़्यादा अपना नाम रोशन कर सकते हैं इस तरह के लोग। और उसके साथ दूसरे प्लस पॉइंट भी है, मैं एक एक करके आऊँगा। यहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं है और बुध पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, यानी जो सामने दिखा कुछ भी मन में नहीं रखता, सामने बता देता है। सेकेंड चीज, ज़्यादा लाइनें होती है और बुध पर्वत उभार हो तो व्यक्ति अति सुंदर होता है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदरता व्यक्ति को मिलती है। इनकी वाणी इतनी मीठी होती है कि सामने वाला सुनकर खुश हो जाए, इतने अच्छे मीठे स्वभाव, मीठी वाणी के लोग होते हैं, यानी इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी स्वीट होती है। उस पर बहुत सारे स्क्वायर भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये रक्षा का काम भी करते हैं, जीवन में हर मौके पर इनको रक्षा होती रहेगी। और कोई साइन होगी तो और एक क्लोजअप है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे एक स्टार जैसी स्थिति दिख रही है, अगर यहाँ पर स्टार होता है तो व्यक्ति रिसर्च अच्छा कर पाता है कोई ना कोई फील्ड में,
जरूरी नहीं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा ही चाहिए तो ही रिसर्च होता है। कई लोगों के पाम में बिजनेस में भी व्यक्ति रिसर्च करके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालता है या ऐसे ऐसे इनोवेटिव करता है कि उसके कारण उसका बिजनेस काफ़ी आगे निकलता है। या रिसर्च के फील्ड में भी जाना हो तो यहाँ पर स्टार हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब इनके सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर देखें तो स्क्वायर भी दिख रहे, ये व्यक्ति को स्क्वायर फैला हुआ मल्टी सिटी का काम करवाते। सेकंड चीज देखें, इतने सारे शुक्र वलय के साथ साथ हर जगह पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, हर जगह पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, यानी कम से कम 4 से 5 स्टार इनके सन माउंट पर है और उसकी एक शाखा उस शुक्र वलय को भी टच कर रही है। तो ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार अति संपन्न बनता है और इन्हीं स्टारों के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी फिश साइन भी मुझे शो हो रही है, पर इतनी सारी साइन है कि मैं क्लियर बता नहीं पाऊंगा। एक तो मुझे यहाँ दिख रही है फिश साइन, और इतनी सारी रेखाओं में 100% एक आध दो तो छोटी फिश साइन होगी और वो रहने पर बहुत ज़्यादा धन व्यक्ति के जीवन में आता है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद की साइन है धन देने के लिए, ये शुक्र वलय के साथ साथ स्टार का सन माउंट पर, और कम से कम 4 से 5 स्टार है। अब आप सोचिए ये पाम कितना लकी, ये तो सन माउंट के, अभी चंद्र पर्वत पर आऊंगा तो और साइने है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है तो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियों का लाभ मिलेगा इनको। बहुत सारे स्टार है, मेरे 5 तो इससे भी ज़्यादा हो सकते, यानी नाम और दाम दोनों व्यक्ति को मिलते। बहुत लकी पाम है। यहाँ पर विद्या रेखा के साथ साथ यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर भी एक तरह की फिश जैसी स्थिति है। ये विद्या रेखा है, विद्या रेखा की जगह पर फिश साइन का मतलब है कहीं ना कहीं बुद्धि, जो बेसिक नॉलेज है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, तो ये भी एक एडवांटेज है। थोड़ा सा यहाँ पर उभार है तो व्यक्ति को सुबह उठने में देरी होती है या अच्छा नहीं लगता, पर उसके बाद व्यक्ति दिन भर व्यवस्थित रहता है। सेकेंड चीज देखे तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे, ये सारे पुश्तैनी जमीन जायदाद की ओर इशारा करते सारे। और यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाली रेखा है तो व्यक्ति के जीवन में कंटिन्यू धन आता रहेगा, मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहेंगे। एक लाइन यहाँ पर चल रही है तो ऐसे लोगों को 4 बेनिफिट मिलती है, सरकारी बेनिफिट या पॉलिटिकल बेनिफिट या व्यक्ति जो कार्य करता है उसके अंदर अपर लेवल तक पहुँचता है, मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट, या व्यक्ति खुद का भी काम करे तो जो काम करता है उसे बड़े स्तर पर लेकर जाता है। और ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। अब मैंने ये स्टार और ये शुक्र वलय देखकर भी इनको मैंने वो उपाय नहीं बताया क्योंकि इनके माँ के हाथ में भी यही सेम साइन है, नहीं तो मैं हमेशा सिंदूर में पैर भिगो के तिजोरी में रखने की बात करता हूँ महिला के हाथ में रहा तो। पर ये इनको जानकारी नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनकी मां के हाथ में भी सेम साइन है। काफी ज्यादा पुश्तैनी जमीन जायदाद इनके हाथ में आएगी, काफी ज्यादा। गुरु पर्वत देखे तो खाली एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, हल्का सा उभार यहाँ पर है तो
तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहेगी। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको, बहुत आसान उपाय है। बहुत ज़्यादा तकलीफें तो नहीं होगी, पर फिर भी तकलीफ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं चल रही है, ये कई जगह से पैसा व्यक्ति के जीवन में आता है। सेकेंड, सेवाभावी होते हैं। थर्ड, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस है उसके प्रति इंटरेस्ट दिलाती है और धार्मिकता भी बढ़ाती है, ये लाइनें। और साथ में कोई ना कोई एनजीओ भी ज्वाइंट कर सकते अपने जीवन में ऐसे लोग, और बहुत सारे स्क्वायर है तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। सेकेंड चीज देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ये भी व्यक्ति को पॉलिटिकल बेनिफिट या सरकारी बेनिफिट दिलाता है। और ये बेनिफिट न भी प्राप्त करे व्यक्ति तो भी व्यक्ति अच्छी तरह संपन्न यानी पैसे वाला बनता है। और ऐसे छोटे ट्रायंगल यहां पर भी है। अब अंदरूनी मंगल पर चले तो अंदरूनी मंगल में मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, थोड़ी सी लाइन है ज़्यादा दिख रही है, तो मेडिटेशन कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी चिंता रेखाएं ज़्यादा है पर अंदरूनी मंगल अच्छा है, यानी शरीर की एनर्जी व्यक्ति में अच्छी रहती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और मेजर संकट केवल 5 से 7 साल रहेगा, उस पीरियड में थोड़ा सा कठिन समय रहेगा, इसके अलावा इस पाम में ऐसी कोई मेजर तकलीफ नहीं है। अब चंद्र पर्वत पर चले तो चंद्र पर्वत पर ये देखिए, एक ये जब साइन होती है तो ये मल्टी मिलियनर साइन है। और इस पाम में मल्टी मिलियनर तो केवल ये सन माउंट पर जो साइन है और ये जो शुक्र वलय है यही बनवा देता है। ये तो एक एक्स्ट्रा इस हाथ में है और ये ऑलरेडी अभी भी मल्टी मिलियनर होंगे ये, क्योंकि जिस तरह का पाम है वो उस तरफ इशारा जाता ही है। पर पाम में दिख रहा है तो मुझे बताना जरूरी है, तो ये साइन भी इनके हाथ में है। और चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, विदेश में रह रहे, अब इनका पता नहीं जन्म कहाँ हुआ है, थोड़ी सी जानकारी होती तो अच्छा रहता था। और बहुत सारी रेखाएं, ये व्यक्ति का आना जाना, विदेश में सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें शो करता है। सेकेंड चीज़ देखें तो बहुत सारी लाइनें चल रही है, ये ट्रैवल कराती है। और सेकेंड चीज़ देती है ये लाइनें व्यक्ति को, ट्रैवल के साथ साथ सिक्स सेंस देती है, यानी सामने वाला केवल हेलो बोल दे तो उसमें सामने वाले को ये पहचान सकते हैं कि क्या कैपेसिटी वाला व्यक्ति है। इतनी सिक्स सेंस पावरफुल होती है इनकी, जिनकी यहाँ पर बहुत सारी लाइनें होती है। तो ट्रैवल के साथ साथ ये बेनिफिट भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। सेकेंड चीज़ देखें, चंद्र माउंट के फायदे तो इनको मिलेंगे ही, परचेस पावर अच्छा होगा, जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी रिफाइंड होगा, प्लस विदेश से संबंध आता है जो ऑलरेडी आया हुआ ही है। और अगर इनका जन्म यूरोप में हुआ होगा तो और भी कोई देशों से संबंध इनका आएगा ही, आना जाना लगा रहेगा। सेकेंड चीज देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, और इस मनी ट्रायंगल में एक स्टार की साइन है। ये जब साइन होती है यहाँ पर तो ये अचानक धन लाभ देती है। जीवन में 5 से 7 बार बड़े बड़े लेवल के धन लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े लेवल के। अब बहुत बार मुझे विदेश के लोगों का पाम आता है तब उनका सवाल रहता है कि मुझे लॉटरी खरीदनी की चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं इनको सलाह देता हूँ, आप लॉटरी खरीदते रहना, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पर हमेशा खरीदते रहना, कभी ना कभी चांसेस आपके रहेंगे कि आपको लॉटरी लगेगी। ये अचानक धन लाभ की साइन है। अब शुक्र पर्वत पर देखे तो थोड़ी सी बारीक लाइन है, ज्यादा है, ये एक माइनस पॉइंट है, ये व्यक्ति को बांध के रखती है।
जकड़ के रखती है। ये एक माइनस पॉइंट है, इसका मैं उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है, पूजा का उपाय है। बाकी शुक्र पर्वत भी अच्छा है और साथ में गुरु भी व्यवस्थित है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाले। केवल थोड़ा सा पार्ट ये अगर उभार है तो थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको। और ये काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है, साथ में गुरु पर्वत का भी साथ मिला हुआ है, तो धन परिवार ये सारा सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा जीवन में मिलता है। और शुक्र पर्वत वाले अच्छी तरह से रहते, अच्छा जीवन जीते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह से पेश आते हैं, लग्जरियस लाइफ रहती, ये सारे गुण इनको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर ब्लू कलर होगा इनके हाथ में, तो मैं सलाह दूंगा कि गायनोलॉजिस्ट को एक बार जरूर दिखाए। अब इनकी हृदय रेखा देखें, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है मंगल से। जब व्यक्ति की यहाँ से शुरुआत होती है तो व्यक्ति में एक गुस्सा रहता है। अब इतना लकी हाथ है पर यह गुस्सा क्यों है पता नहीं, पर यह व्यक्ति में गुस्सा देती है, प्लस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है इनकी, और ये एक्सपेक्टेशन कभी कभी परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते। और गुस्सा लोगों के सामने व्यक्त करें तो सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, और मन में रखेंगे तो स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है और ये सीधी चल रही है, और यहाँ पर एक यव साइन है। ये यव साइन में जनरली या तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है या व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का 34 से लेकर 38 तक का, इस पीरियड में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी स्मूथ चल रही है रेखाएं, और जब भी ब्रेक आएगा उस समय कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आती है जो हमारे हार्ट को डिस्टर्ब करती है, यानी 6 महीने तक हमारा हार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और ये पीरियड रहेगा इनके जीवन का लगभग 55 के आसपास, 53-55 के आसपास, और एक पीरियड रहेगा 63 के आसपास। ये दो पीरियड में जीवन में कोई ना कोई 60 के आसपास और 53-54 के आसपास, दो पीरियड में कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो इनको थोड़ा सा पेनफुल होगा। कोई हमारे नियर एंड डियरर की डेथ हो जाती है तो हमारा हृदय थोड़ा सा विचलित होता है 6 महीने के लिए, तो इस तरह की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होती है, इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और हार्ट लाइन थोड़ी सी डबल है तो थोड़ी सी झंझटें रहेगी जीवन में, एकदम फ्री रहकर नहीं जी पाएंगे, झंझटें भरपूर रहेगी जीवन में। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन भी कंप्लीट जीवन रेखा के साथ साथ चलकर आगे बढ़ रही है और यहाँ तक चल रही है, तो माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, स्ट्रेट है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर होगी। और जुपिटर से शुरुआत हो रही है तो ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशियस भी बहुत होते और उसको पूरा भी करते। अब इनके जो माइनस पॉइंट है वो ये है, इनके हाथ में ये लगभग 27 के आसपास से लेकर, ये 27-28 से लेकर ये उम्र लगभग यहाँ तक, ये उम्र लगभग 34 तक इनके जीवन में यव साइन के चांसेस है। अब यहाँ पर मैंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की पर मैं जजमेंट नहीं लगा पा रहा हूँ कि यव साइन ओपन है या पैक है। अगर ये एक यव साइन होगी तो हार्डली 2 साल की तकलीफ इनके जीवन में होगी, और ये यहाँ तक होगी ये यव साइन तो इनके जीवन में 34 या मैक्सिमम 35 तक इनके जीवन में तकलीफ रहेगी, और उसके बाद इनकी माइंड लाइन फ्री होकर चल रही है, उसके बाद कोई ऐसी तकलीफ इनके जीवन में नहीं है, और ये केवल प्रेशर लाइन है, इससे अलावा कुछ नहीं। बाकी माइंड लाइन अच्छी है, बीच का जो 5-6 साल का पीरियड है वो थोड़ा सा तकलीफ दे इनके जीवन में रहेगा, इतने लकी होने के बावजूद भी। और सेम इससे ज़्यादा बड़ी यव साइन
इनकी मदर के हाथ में थी, तो उन्होंने भी पेन उठाया होगा और इनको भी थोड़ा सा पेन उठाना ही पड़ेगा, इतना लकी पाम होने के बावजूद, क्योंकि ये एक ऐसी साइन है, ये किसी को नहीं छोड़ती, चाहे आप यूरोप में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, ये पेनफुल है। पर यहाँ पर मैंने इनका क्लोजअप भी है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कम से कम 30 मिनट्स इस यव साइन को देखने में लगा दिए, तो जजमेंट नहीं लगा पाया कि ये कंप्लीट है या ओपन है, तो हम इसे कंप्लीट मानकर ही चलते। तो पीरियड 27 से लेकर 34-35 तक इनको पेन उठाना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब इनकी जीवन रेखा पर भी देखें तो ये जब ट्रायंगल बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन में या तो अच्छा एजुकेशन आता है या उस पीरियड व्यक्ति का अच्छा जाता है, और छोटी छोटी रेखाएं जब काटती है तो ये बाधाएं लाती है। ये वर्तमान में भी हो सकता है कोई ना कोई बाधा चलती हो क्योंकि एक लाइन ने काटा है, पर ये टेम्परेरी बाधाएं रहती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती। और इनके जीवन में एक लगभग 23-24 के आसपास, यानी 23-24 के आसपास, या तो इनके जीवन में कोई इलू होगा या इनकी शादी हो जाएगी, और उसके बाद एक राहु रेखा काट रही है 26 के आसपास, एक 35 के आसपास, और ये कोई राहु रेखा है स्ट्रांग नहीं है और यूरोप में रह रहे तो बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ है इनके जीवन में आती नहीं राहु रेखाओं के कारण। इससे बड़ी बड़ी राहु रेखाओं में भी यूरोप में तकलीफ आते देखी नहीं है, तो बहुत कम तकलीफें आएगी। पर मैं पाम आया है तो मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ 26, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 52 और 54, ये इतनी राहु रेखा है, पतली पतली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर उसके सामने एडवांटेज भी है, उसके सामने बहुत सारे ऑफशूट भी इनके हाथ में चल रहे। अब यव साइन के पीरियड में ये ऑफशूट है 26 और 6, 24 और 6, 30 के आसपास ही इनके जीवन में ऑफशूट भी चल रहे, तो मुझे नहीं लगता यव साइन भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि इसी पीरियड से यव ऑफशूट इनके जीवन में स्टार्ट हो रहे और बहुत सारे ट्रायंगल भी बन रहे, तो प्रॉपर्टियां भी भरपूर मिलेगी और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इनके जीवन में लिखा हुआ है। और जिस तरह की जीवन रेखा है, ये शरीर का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तोल तोल के खाएंगे, बहुत ज़्यादा शरीर का ध्यान रखने वाले इंसान बनेंगे। और यहाँ पर एक फोर्क बन रहा है, ये फोर्क व्यक्ति को ट्रैवल भरपूर कराता है, और ऐसे देखा जाए तो जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे लोग विदेश सेटलमेंट होता ही है। अगर ये यूरोप में भी जन्म लिया होगा इन्होंने, तो कोई और कंट्री में इनका जाना होगा, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को कोई और कंट्री की ओर आना जाना दिखाती है। अब इनकी फेट लाइन के लिए देखें तो नीचे स्टार्ट से ही चंद्र पर्वत से, यानी लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, और इनका क्लोजअप काफी मेरे पास अच्छा है। अब इस फिट लाइन पर भी देखें तो यहाँ पर ये जब कट आते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में डिस्टर्बेंस लाते हैं, और ये वर्तमान पीरियड में ही कट है, ये लगभग 18 साल के आसपास कट है, एक कट उम्र लगभग 20-22 के आसपास है, एक कट 27 के आसपास है, एक कट उम्र 29 के आसपास है, एक कट 32 के आसपास है, और एक कट उम्र 37 के आसपास है, एक कट 40 के आसपास है, और ये सारे इन्वेस्टमेंट की लाइन है। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव पाम है, थोड़े साल डिस्टर्बेंस रहेगा, पर बहुत ही ज़्यादा लकी पाम है, बहुत ज़्यादा अप टू एंड तक इस तरह से फेट लाइनें चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली स्थिति है नहीं, ये सारे इन्वेस्टमेंट की लाइन है, सारी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में होता रहेगा और कई जगह से पैसा इनके जीवन में आता रहेगा, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा पाम है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाम है।
हाँ, ये 6 से 7 साल थोड़ी सी तकलीफ इनके जीवन में रहेगी, और इसी पीरियड में जब शादी करे तो इसी पीरियड में डिस्टर्बेंस आने के चांसेस बढ़ जाते, तो ये एक माइनस पॉइंट समझना। उस समय धीरज रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये मेरी सलाह है। इस तरह के प्रॉब्लम भी यव साइन वालों को आते देखा गया, 100% गारंटी नहीं है, पर इस तरह के प्रॉब्लम महिलाओं के हाथों में जब यव साइन होती है तो आते देखा गया। तो उस समय थोड़ा सा संयम रखकर जीवन जीना, आगे जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।